नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंची। और इसके अलावा जापान के प्रधानमंत्री, इटली के प्रधानमंत्री, मॉरिशस के पीएम, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंच चुकी है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति भी G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला बहुत तेजी के साथ शुरू हो चुका है। दिल्ली जो कि न सिर्फ आज देश का दिल है बल्कि दुनिया की निगाहें देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली से ही हिंदुस्तान का पूरा दमखम संपूर्ण विश्व में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बहुत बड़ी तस्वीर है जो लगातार यहां पर सामने आ रही है, उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये महाशक्तियों का वो महामंथन है जो हिंदुस्तान की सबसे दमदार तस्वीर पेश करेगा, जो हिंदुस्तान का एक नया अध्याय यहां पर लिखता हुआ नजर भी आएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रैमफोसा दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी खबर, एक और विदेशी मेहमान देखिए, एक और दिग्गज साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति यहां पर पहुंच चुके हैं, सिरिल यहां पर पहुंच चुके हैं, आने का सिलसिला भी जारी है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर देखिए, भव्य स्वागत की तैयारियां पहले से की गई है, क्योंकि अतिथि का सम्मान करना, अतिथि को सत्कार के साथ लाना हिंदुस्तान की भारत की परंपरा का सबसे खास हिस्सा रहा है। G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है और इस अध्यक्षता में किस तरह से जितने भी हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं, G20 देशों के जो सदस्य हैं वो आ रहे हैं, गैर देशों के जो सदस्य हैं वो यहां पर शामिल हो रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां यहां पर पूरी की गई है, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन, अपनी रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है, और उसमें से स्वागत अतिथि का करना यह सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे खास हो जाता है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सिरिल रैमफोसा G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे, शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे एयरपोर्ट पर आगवानी भी कर रहे हैं, तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। तो एक एक करके बहुत तेजी के साथ विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, खास मेहमान पहुंच भी चुके हैं। फहरिस्त लंबी है इसलिए अभी ये सिलसिला जारी भी रहेगा, लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि G20 को लेकर दिल्ली जिस तरह से दुल्हन की तरह सजी हुई है, भारत मंडपम से जो शानदार तस्वीरें अब तक न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा चुका है, उसके जरिए इतना तो तय है कि ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिसकी जिम्मेदारी भारत ने बखूबी निभाई है, और वो जानता है कि ये अध्यक्षता जिसकी कई बैठकें देखिए इससे पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा विदेशी मेहमानों के ये जो आने का सिलसिला है, इन तस्वीरों के साथ ये भी कहा जा सकता है कि ये पहली बार नजर आता है जब एक साथ में इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज विदेशी मेहमानों की मेजबानी करने के लिए हिंदुस्तान ने यह जिम्मेदारी न सिर्फ उठाई बल्कि इस जिम्मेदारी की बारीक से बारीक तस्वीर भी देखिए बखूबी यहां पर सामने आ रही है। पूरी तरह से हिंदुस्तान तैयार रहा, सरकार तैयार रही कि किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, चाहे वो सुविधा को लेकर हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो। G20 के अपने मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर वार्ता यहां पर होगी, बहुत सारे समझौते होंगे, बहुत सारी बड़ी तस्वीरें नजर आएंगी जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, उसके सामाजिक हर चौतरफा मोर्चे पर हिंदुस्तान को भी मजबूत करेगी। और न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि आज हिंदुस्तान उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर वो अपने पड़ोसी देशों, अपने उन देशों को भी सहायता पहुंचाता है जहां पहले सिर्फ वो देखा करता था, लेकिन अब रूप बदला है। सिक्के के उस पहलू पर हिंदुस्तान आ चुका है जहां उसकी मजबूती का डंका वैश्विक तौर पर बज रहा है, और यही वजह है कि ये 5 तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसकी तस्दीक भी यहां पर करती है। वक्त बदला है, बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान की ताकत किस कदर बढ़ चुकी है, किस तरह से कई अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर हिंदुस्तान ने यह भी साबित कर दिया है कि अब वो पूरी तरह से मेजबानी के लिए तैयार रहता है। अब वो ये नहीं सोचता है कि मेजबानी कैसे होगी, बल्कि अब हिंदुस्तान बखूबी इस मेजबानी को बेहद बारीकी के साथ करने में पूरी तरह से सक्षम है।